अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम इस HJG की जो लाइट है, ये एक्सटर्नल लाइट होती है, इसको हम कोशिश करके बाइक की जो हेडलाइट है इसके अंदर फिट करेंगे। मैंने एक दिन पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप इसको जो है वो मीटर के साथ बड़ी अच्छी जगह पर लगाकर आप कैसे जो इसके वायरिंग है वो कर सकते हैं। इसकी लाइट काफ़ी अच्छी थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारे जो एरिया है वो सेफ नहीं होते, वहाँ पर कोई लोग इसको अगर बाहर लगे तो तार के ले जाते हैं, या फिर कुछ लोगों ने कहा कि हमें बाहर अच्छी नहीं लगती तो आप इसको हेडलाइट के अंदर फिट करें। तो आज हम इसको कोशिश करके यहाँ पर फिट करेंगे, कोई सुराख वगैरह नहीं करेंगे, इसको हम बिल्कुल ओरिजिनल वे में इसके अंदर स्टार्ट करेंगे और उसका नाइट टेस्ट भी चेक करेंगे। ठीक है, बाइक की हेलमेट के अंदर ही इसको हम इंस्टॉल करेंगे। ये HJG का मैंने पहले भी बताया था कि HJG का एक सेट होता है इस तरह से, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है, ये सारे हम देखेंगे। तो इसको आपने कैसे लगाना था, बेसिकली बाहर अगर आपने लगाना था तो आप ऐसे लगाकर आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन हमने इसको कोशिश करके ना इसके अंदर फिट करना है और हमने सुराख वगैरह कोई नहीं करने। ये मैंने बाइक की हेलमेट जो है वो खोली हुई है, आप देख सकते हैं, इसके बीच में हम यहाँ पर इसको इंस्टॉल करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन लोगों ने बहुत ज्यादा की थी कि आप इसको बगैर बैटरी का कैपेसिटर पर लगाकर फिर चलाने का तरीका बताएं। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने कैपेसिटर पर लगाया एक तरीके से जिससे ये ब्लिंक कर रही थी, एक और तरीके से मैंने लगाया कैपेसिटर उससे ये ब्लिंक तो नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे अभी यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा इसको चेक करते हुए, कम अज कम भी 3 से 4 हफ्ते मैं इसको टेस्ट करूंगा। अगर ये ना सही अच्छा रिस्पॉन्स दिया फिर मैं वो वीडियो बनाऊंगा कि आप इसको बगैर बैटरी पर आप इसको कैसे चला सकते हैं सिर्फ कैपेसिटर पर। अभी मैंने एक तरीका किया है, लेकिन वो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा टेस्ट करते हुए, जब प्रूफ हो जाएगा कि हाँ इसका कोई नुकसान नहीं है फिर ही वीडियो अपलोड होगी। अभी तो सिर्फ हमने इसको अंदर इसको फिट करना है और वायरिंग हमने करनी है वही बैटरी के साथ जैसे हमने पहले की थी, एक एक्स्ट्रा बटन लगाकर। चलिए अब हम देखते हैं क्या क्या चीज़ हमें चाहिए होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पहले बताया था कि ये देखिए, ये एक सेट होता है, ये आपको 500-600 रुपये का मिल जाता है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी आपको मिल जाता है। ये एक लाइट होती है इसके अंदर, एक इसका ये स्टैंड होता है, ये दो इसके साथ एक लाइट होती है, ये स्टैंड होता है, एक इसके साथ ये नट बोल्ट होता है, दो छोटे स्क्रू होते हैं और दो वाशने होती है। ठीक है, ये इसका एक पेयर सेट आपको मिलता है पूरा। अब आपको इसके अलावा अगर आप इसके अंदर फिट करनी है ना, बाहर फिट करने के लिए सिर्फ ये चाहिए होगा, अगर आप इसके अंदर फिट करनी है ना इसके अंदर हेलमेट के अंदर, तो आपको एक ऐसी वाशर चाहिए होगी। ये वाशर कौन सी है, ये आपके बाइक का जो स्पीडोमीटर होता है ना उसके साथ जो दो लगे होते हैं नट, उनके ऊपर ये लगती है। तो ये बहुत इजीली आपको ये आपको मिल जाएगी आराम से 500 रुपए की या मैक्सिमम 10 रुपए की। और एक आपको चाहिए होगा जो होता है ना हमारा टाइमिंग चेंज करते हैं, मैग्नेट प्लेट को दो लगते हैं इस तरह का स्क्रू, एक ये इस तरह से ये ऊपर होता है एक नीचे होता है, ये आपको चाहिए होगा। ठीक है, चार मुंह वाला चीज बड़े इजीली आपको मिल जाएगा। मैग्नेट की प्लेट के दो होते हैं बोर्ड, उसमें से ये एक है, तो ये दो आपको एक्स्ट्रा चीजें चाहिए इसके अंदर स्टार्ट करने के लिए। अब हम फिट करते हैं इसको बाइक से, ताना बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है। चलिए, ये इसके बीच में एक लगी हुई है, ये लगी रहने दे, इसको आप इग्नोर करें। जैसे आपकी बाइक आपको हेलमेट खोलेंगे ना, तो इसके बाद आपके पास ये लाइट आ जाएगी, इसको खोलने के लिए जस्ट यहाँ से हम खींचेंगे इस तरीके से, ये लोकस का बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपने एक ये स्क्रू का खोल के आपको जो ये पूरा फोकस और ग्लास है आपका बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए, इसको आप ऐसे छोड़ दें और अब आपने इसके अंदर फिट करनी है। ठीक है, ये आप छोड़े इग्नोर करें, ये मैंने पार्किंग बल्ब लगाया तो इसका तो कोई ताल्लुक नहीं ना। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ले लेनी है लाइट इसकी, इसके स्टैंड में से आपने ना यहां से गुजारनी है ये इन वायर्स को, ठीक है, ऐसे करना आपने। और ये तो मैंने बताया था, ये आपने लगा देना यहां पर। अगर आप इसकी जगह ये यूज करेंगे ना, हमारा ये किसी काम का नहीं है, इसकी जगह हमने ये यूज किया क्योंकि ये यहाँ पर यूज करेंगे ना फिर ये प्रॉपर से बंद नहीं होगी, इसको आपने नहीं यहाँ पर करना इस्तेमाल। तैयार कीजिए आप ऐसे कर। यार ये बंद कर देनी है। अब जो इसके साथ लाइट के साथ मिलते हैं ना, ये वाशर और ये स्क्रू, एक पेयर और ये वाशर एक स्क्रू दूसरा पेयर। ये आपने यहां पर लगा देने हैं। तो देखिए बन चुकी है। अब आपने क्या करना है कि इसको आपने यहां से गुजारना है, उसके बाद आपने ये रखनी है यहां पर और ये आपने लगाकर इसको आपने मुकम्मल टाइट कर लेना है। अच्छा, टाइट करने से पहले ना आपने देखना है कि ये
जो ये दो चीज़ें हैं ना ये, हाँ ये इस तरह से हो, ऐसे ना हो ऐसे हो, इन दो पेजों का ये ऐसे रहे ऐसे ना रहे, ठीक है कि ऐसे होकर। अब हम ऐसे इसको मुकम्मल टाइट काट देते हैं, ज़्यादा टाइट नहीं करना। ये देखिए ये यहाँ से हिलेगी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ये यहाँ से जो मर्जी करें, ये देखिए ये हिलेगी नहीं यहाँ से। तो ये देखिए उसके बाद आपने ये इसका वापस लगा देना, ठीक है। ये बेशक आप ऐसे भी लगा लें वैसे लगा लें जैसे आपको इजी फिट लगता है। ये देखिए अब यहाँ पर मेरे को सख्त लग रहा है, इसका पहले ही मैंने ऐसे फिट किया हुआ था, ये ऐसे, इसको हम ऐसे ही लगा लेते हैं। ये देखिए ये देखिए कितनी प्यारी लाइट बन गई है, ये देखिए। अब इसकी हम वायरिंग कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमारी बाइक का जो अपनी हेडलाइट है इसका यहाँ पर कोई काम नहीं, हमने वो उतारा हुआ है, तो इसका हम होल्डर भी उतार लेते हैं। और मैंने एक एक्स्ट्रा बटन लगाया हुआ है बाइक के हैंडल पे, मैंने कहा बहुत सारी वीडियोज में बताया हुआ है, ठीक है। उसकी ये दो वायर्स आ रही हैं, दो वायर्स वाले का बटन मैंने हैंडल पर लगाया हुआ है, लगाना मैंने बहुत सारी वीडियोज में बताया हुआ है, उसकी दो वायर्स आ रही हैं। असल में हम ये होल्डर उतार लेते हैं ना यहाँ से, ये होल्डर उतर गया। आप देखिए ना फंक्शन यहाँ पर करने क्या है कि जो अपने हैंडल बटन लगाया ना एक्स्ट्रा, उसका हम ऑन ऑफ करेंगे, वहीं से हम अपनी बाइक की जो हेडलाइट है जो हमने स्टार्ट किया है वो हम चला लेंगे, हाई लो भी उसी बटन से होगी। और बाइक जो अपनी हेडलाइट का बटन होते हैं ना जो ग्रिप्स में लगे हुए हैं वो ऑन करने पर हमारी जो बाइक है वो बाइक की जो बैक लाइट है और जो इसकी मीटर लाइट है वो चलेगी हमारी इंजन करंट पे। सिंपली हमने बाइक का होल्डर डाल लेना है और ये हमने लाइट इंस्टॉल की है जिसकी दो वायर्स आ रही है और एक हमने बटन इंस्टॉल किया हुआ हैंडल पर, उसकी दो ये वाली वायर्स आ रही है, किधर गई ये वाली। अब वायरिंग बहुत सिंपल है, ये हमारी हेडलाइट है इसको हम पहले रखते हैं साइड पर, इसके वायर्स को हम पहले यहाँ पर वायरिंग कर लेते हैं। जो हमारी लाइट है ना उसकी जो नेगेटिव है ना ये आपने दे देनी है बाइक में किसी भी ग्रीन कलर के क्लिप के अंदर, जो नेगेटिव ब्लैक लगी जो लाइट हमें स्टार्ट की ना उसकी ब्लैक कलर की वायर को बाइक में किसी भी ग्रीन कलर के क्लिप के अंदर, ग्रीन कलर का क्लिप ये वाला है हमारी बाइक में, यहाँ पर लगी। बहुत ही सिंपल वायरिंग है। और जो रेड वायर है ना पॉजिटिव जो हमारी हेडलाइट की जो हमें स्टार्ट की लाइट की, इसके पॉजिटिव हमारे बटन आ रहे हैं, इनमें से कोई भी एक वायर से आप अटैच कर दें, मैं इसके साथ अटैच कर देता हूं। ये देखिए जो हमने हैंडल पे बटन लगाया ना उसकी, ये देखिए इसका अटैच करके इसको हम कर देंगे टेपिंग। और एंड पे बचती है हमारी बटन की आखिरी वायर, इसको आपने अटैच कर देना बाइक में किसी भी ब्लैक कलर के क्लिप के अंदर, बस काम हमारा यहाँ खत्म। आप जो मैंने हैंडल पे बटन लगाया ना देखिए, जैसे मैं वो चलाता हूँ प्लस की स्विच ऑन करता हूँ, यहां से मैं अपने हैंडल का बटन ऑन करता हूँ, तो ये देखिए ये लो पर चल रही है, ऑफ करके दोबारा ऑन किया तो ये हाई पे चलेगी, ये बहुत ज्यादा लाइट है इसकी, ये ऑफ करके दोबारा ऑन किया तो ये दोनों पे चल रही है, ठीक है। ये इसकी येलो प्लस वाइट, अब हम दोबारा ऑफ करके ऑन करते हैं तो ये ब्लिंक करती है, ये आप लोगों को तंग नहीं करना, ठीक है, बड़ा मेहरबानी। तो ये देखिए कितनी ज्यादा रोशनी है, बस हम करते हैं इसको टेपिंग और इसको करते हैं हेलमेट को बंद और फिर हम इसको चेक करते हैं। चलिए फ्रेंड्स इसका हम टेस्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने स्विच ऑन किया हुआ है और ये देखिए इसमें ऑन करता हूँ, लो हाई ये दोनों खड़ी चल रही हैं, ठीक, और ये ब्लिंक, ये देखिए इसको थोड़ा फोकस करता हूँ, ये देखिए इसका जो रिजल्ट है ना ये अच्छा ही है, चलिए अब हम बाहर चलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हम बाहर आ गए हैं और इसका जो ये आप नाइट टेस्ट भी देख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा है। ये देखिए इस तरीके से है, ये इसका मैंने किया इस पर, ये इस पर, तो रश का मतलब मैं दिखाता हूँ ज़रा आपको। अच्छा आपने इसका झटके वाला जो है ना वो आपने ज़्यादा करके आप तंग नहीं करना लोगों को, ठीक है। इसका लो पे है, दोबारा ऑफ कर ऑन किया तो ये हाई पे, इसने क्लियर फंक्शन बदलती है। ओके थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैं और ज़्यादा अंधेरे जगह पर आ गया हूँ, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये आपने इसे बाहर लगाई तो ये देखिए अंदर है। बस फ्रेंड यही था आज की वीडियो, मेरा नाम है तैयब अजीज, थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़। आपने झटके मारने वाला बिल्कुल यूज़ नहीं करना।